का विकास कार्यक्रम में उपस्थित राम विचार जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्राइबल मोर्चा के प्रदेश, साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सापेगा जी, सभी विधायकगण, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीगण, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए कार्यकर्ता, मुझे 2 मिनट कहने के लिए बोला, फिर भी सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम जो सभी हमारा माननीय अतिथि ने, मुझे लगता है जम्बे दर्शी जी इतना अच्छे ढंग से रखा है, फिर भी 3 साल का जो सरकार है बिना करप्शन से 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ में जिन्होंने हमारा पार्टी का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन तय किया उसका जन्म शताब्दी पे इतने भव्य समारोह का आज देखने के लिए मिला है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था, जो अंत्योदय का सोच के जो गरीब शोषित वंचित पीड़ित दलित और महिला युवाओं का देश के 125 करोड़ जनता का विकास के लिए उस समय का सोच को लेकर आज हमारे सरकार उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसके लिए संगठन के बारे में बोलना था, लेकिन हमारा प्रदेश अध्यक्ष माननीय तापिर गांव जी ने विस्तार से रखने वाला है। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कुछ कारणों से नहीं होने के कारण से मैं संगठन महामंत्री के नाते आप सभी को माफी भी मांगता हूं, लेकिन जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाला है, उस विषय को भी अध्यक्ष जी ने बताएंगे। मुझे विश्वास है आप सभी आज 1 बजे तक इस कार्यक्रम में रहकर अपने डिस्ट्रिक्ट से आए हुए प्रतिनिधियों को एक ही विनती है, आप जो भी पार्टी कार्यालय में जो लाया है, बूथ लेवल का, मंडल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट का, या मोर्चास का, प्रदेश मोर्चास का, जिला मोर्चास का, या मंडल का भी हो, या साथ में डिपार्टमेंट हो या प्रखंड का भी हो, विस्तारकों का भी हो, या चाहिए पूरे 3 ईयर प्रोग्राम का कार्यक्रम का भी पूरे रिपोर्ट आज 1 बजे के बाद में कार्यालय में मैं भी रहूंगा, हमारा जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे, हम आज से पूरे रिपोर्ट भी लेंगे। फिर नेक्स्ट अमित शाह जी आते समय उस समय लेने का जरूरी नहीं है, आज ही तैयार करके लाया है उसको, आप सभी ने कार्यालय में देखे जाएगा, मुझे विश्वास है। फिर भी आप सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम नहीं होते हुए भी मुझे भी विश्वास नहीं था इतना लोग यहाँ बैठ पाएगा, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता ईटानगर में इतना भव्य आयोजन हो सकता है, लेकिन हमारे हर कार्यकर्ता प्रदेश कार्यकारिणी के हर सदस्य भी हर दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सजाया, फिर भी जो भी कमियां होता है तो भी आप सभी बड़े दिल से स्वीकार करके जाइएगा, इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी।